राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक पूरन सिंह, उपजिला अधिकारी देवेंद्र पाल सिंह, पूर्ति निरीक्षक गौरव महेश्वरी के द्वारा ग्राम पंचायत कारब से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें 50 लाभार्थियों को निःशुल्क राशन देकर लाभान्वित किया गया। इस संबंध में पूर्ति निरीक्षक गौरव महेश्वरी ने जानकारी दी कि अंत्योदय कार्ड धारकों को गेहूं, चावल, चना, रिफाइंड नमक इत्यादि वितरण किया गया है, जिसमें विधायक पूरन प्रकाश के द्वारा करीब 50 लाभार्थियों को अपने हाथों से वितरण किया गया। सर, आज गाँव कारम में और राशन वितरण हुआ है, इस विषय में क्या कहेंगे? वहाँ में कोरोना काल में हमारी सरकार द्वारा पूर्व राशन वितरण का आह्वान किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक बार वितरण होता है प्रथम चक्र में, जो 12 तारीख से स्टार्ट हुआ है। दूसरा होता है माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। आज माननीय विधायक जी की उपस्थिति में कम से कम 50 लाभार्थियों को अपने हाथ से गेहूँ, चावल, अंत्योदय कार्डधारकों को चिन्हित किया गया था हमारे द्वारा, जिसमें 20 किलो गेहूँ, 15 किलो चावल, साथ ही साथ 1 किलो नमक, 1 किलो चना और 1 लीटर रिफाइंड ऑयल शासन से मुफ्त उपलब्ध करवाया गया है। इसका किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया गया है। इसका प्रारंभ आज ग्राम पंचायत कारम से किया गया। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाली, कहाँ की आप? ये कारवाई गाँव है ना? आपको क्या क्या मिला है अभी राशन में? चावल, गेहूँ, चना, नमक, रिफाइंड। कितना कितना मिला है, कितनी मात्रा में? 1 किलो, 35 किलो, कितना भाई? चना 20 किलो, 1 किलो नमक, 1 किलो, 15 किलो चावल, क्या नाम है, चावल और गेहूँ के मसाले, 15 किलो चावल है ना? ठीक। अच्छा, कहाँ रहने वाली, कहाँ की आप? कारब की हैं। अभी जो राशन बटा है उसमें आपको क्या क्या मिला है? नमक और दाल और रिफाइंड गेहूँ और चावल। अच्छा, दाल मिली है, चना मिले हैं? चना मिले। कितने कितने? एक एक किलो। एक एक किलो। और चावल गेहूँ? 15 किलो चावल और 20 किलो गेहूँ। ठीक है, धन्यवाद।